नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आमेटा और आपके लिए हाजिर हुए वापस एक नया वीडियो लेकर, जिस पे अपन बात करेंगे आज मशरूम के बारे में। एक आप एक कमरा सा देख रहे हैं जिसमें ये ईंटें लगाई गई है, बांस की बलिया रखी गई है, उसके ऊपर पॉलीथीन के बैग रखे हैं, बैग में भरा हुआ है भूसा और भूसे के आसपास जो है वो उसमें कुछ आकृतियाँ कुछ बाहर निकली हुई है जैसे इसमें दिख रही है, ये है आपका मशरूम। जो आज अपन अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, ये ना हिमाचल है, ना उदयपुर है, ना अहमदाबाद है, ना कोई ह्यूमिड इलाका है, ये आपके जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो गर्म क्षेत्र है उसमें अभी ये एक कृषि के शोधार्थी हैं, छात्र हैं जो एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने ये उसका उनका जो थीसिस जो होती है उसका टॉपिक है उसके ऊपर ये उत्पादन यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो आज हमें मौका मिला उनसे बात करने का, उनके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको दिखाने का, तो हमने सोचा क्यों ना ये जानकारी आगे बढ़ाई जाए और किसानों के लिए भी ये पब्लिक में लाई जाए, ताकि अगर एक विद्यार्थी अगर ये काम कर सकता है मशरूम उत्पादन का, तो थोड़ी बहुत जानकारी के साथ में क्या पता कोई फार्मर कल जोधपुर के अंदर मशरूम उत्पादन करे और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का थोड़ा योगदान रहे। तो अपन पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो के अलग अलग पार्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपको पूरी से बारीक महीन जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो पहले हम बात करते हैं उस छात्र से जो इस पे काम कर रहे हैं। और सर आपका बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? सर आई एम आज़ाद खान, आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान। आज़ाद खान जी हैं, ये अलवर से हैं और बीएससी इनकी भरतपुर से की थी और वर्तमान में ये एमएससी के छात्र हैं यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। तो पहले बात करेंगे अपन ये कि मशरूम के बारे में, तो क्या होती क्या है मशरूम? पहले मशरूम सर ये एक फंगस होती है, लेकिन ये क्या है, एडिबल फंगस है। अच्छा। जिसको अपन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। अब अपन ने अपने यहाँ पे ओस्टर मशरूम उगा रखी है, ओस्टर मशरूम में भी अलग अलग प्रजातियाँ, हमने इसमें ओस्टर मशरूम के तीन स्ट्रेन या स्ट्रेन बोल सकते हैं अपन या प्रजातियाँ बोल सकते हैं, तीन प्रजातियाँ लिए, तीन प्रजातियों को हमने फाइव डिफरेंट स्ट्रॉम पे मतलब फाइव अलग अलग पांच अलग अलग भूसा लिए हमने, उन पे हम देख रहे हैं कि किस भूसे पे इनका इनकी अच्छी ग्रोथ आएगी। मतलब आप जो शोध कार्य कर रहे हैं जो मशरूम के ऊपर अलग अलग तीन स्टेन आपने लिए हैं ओस्टर के, उसमें आप अलग अलग भूसे पर ट्राई कर रहे हैं किसमें अच्छा उत्पादन आ सकता है, कौन सा अपना जो प्रजाति है कौन सी अच्छी आएगी, कौन से भूसे पे अच्छा, अच्छा कौन से चारे पे कौन से भूसे पे प्रजाति कौन सी प्रजाति अच्छा उत्पादन दे जाएगी, ताकि किसानों को भविष्य के अंदर सीधा उसके वो भूसा काम में रहना रहे और उत्पादन अच्छा प्राप्त हो सके। तो बात की जाए अपन पूरी विधि के बारे में बात करेंगे, लेकिन मशरूम उत्पादन के लिए जो अनुकूल परिस्थिति जो होती है कि आराम से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए किसी जैसे आपने इस कमरे के अंदर किया है, तो आपने क्या क्या जुगाड़ किए या क्या वातावरण करने पैदा करने की कोशिश करी जिससे उत्पादन की संभावना बढ़ी यहाँ पे? इसके लिए सर मेनली तो अपन एक तो तापमान और एक मॉइस्चर, इनका मोस्टली ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अच्छा। शुरू में जैसे अपन एक जैसे रूम कोई भी कहीं भी पर भी अपना रूम होना चाहिए, उसमें अपन आसानी से उगा सकते हैं, उसके बाद में उसको अपन ऐसे रेक लगा के प्रकाश की आवश्यकता इसके नहीं है, इसके लिए डार्कनेस की जरूरत होती है। अच्छा, अंधेरा होना चाहिए, उसमें सनलाइट नहीं आनी चाहिए, मेन सनलाइट डायरेक्ट उस रूम में नहीं आनी चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए। और अपन ऐसे रेक बना के भी लगा सकते हैं इसको, या फिर लटका भी सकते हैं, अगर ऐसे नीचे रखने का अपन बैग बनाने का जुगाड़ नहीं है तो ऊपर बैगों को लटका। अच्छा, इसकी थैली जो बंदी हुई है इसको आप ऊपर लटका दीजिए और अंधेरे कमरे के अंदर अपन कर सकते हैं। तो ये सोच सकते हैं कि इसमें लागत कुछ नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर जो चाहिए उसका आपका एक पुआल का कमरा बना लीजिए, भले टाट का इसका, भले कोई कमरा खराब पड़ा हुआ है उसको साफ सूफ करके आप उसमें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अलग अलग इसमें उग रही है, तो कुछ फोटो पर देखा था, अब कुछ नया ऑफिस लगा रहे हैं क्या आप? ये कब लगाई थी आपने? ये हमने लगाई थी 12 जनवरी को लगाई थी। 12 जनवरी को लगाई थी, 12 जनवरी 12 दिसंबर को लगाई थी। 12 दिसंबर से लगभग ये हो गई है, 1.5 महीना लगभग होने आया है इनको। अच्छा, और नेक्स्ट कोई ऑफिस लगाने वाले हैं कोई? हाँ नेक्स्ट अभी लगाएंगे अपन, तो अभी आप प्रजातियाँ लगाएंगे, किसान भाइयों को साथ में पूरी चीज़ दिखाएंगे कि कैसे लगा रहे हैं, जिसमें आपको एक बार मैं मुआयना करा देता हूँ। ये बता देते हैं, ये अपना जो ये गेहूं का प्लस ज्वार मिक्स भूसा है, ये गेहूं अपने अभी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर ली है। अच्छा, एक तुड़ाई इसमें हो चुकी है आपकी, गेहूं और ज्वार का भूसा है। ये देखिए, ये मशरूम है अलग अलग तरह के जो खाने योग्य है, ये
ऐसा नहीं है बरसात में जो उगते हैं वो कोई खा ले, जहरीले भी हो सकते हैं। इन पेड़ों की हार्वेस्टिंग कर ली है अच्छा और ये देखिए अब इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग होगी 6 से 7 दिन बाद, इसमें दोबारा से फ्रूटिंग बोली जाएंगी, दोबारा से मशरूम निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। 3 हार्वेस्टिंग होती है इसमें मशरूम।